Thank uh, you. Uh, uh. दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों भारतीय टीम ने स्कॉटलैंड पर एक शानदार फतेह हासिल करके सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने की उम्मीदों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें समझा दिया है की आखिरकार कैसे भारतीय टीम सौ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकती है तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के बारे में लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों अफगानिस्तान को बुरी तरीके ऐसी हरा कर टीम इंडिया वापस दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पहुँच चुकी थी जहाँ उन्होंने स्कॉटलैंड का सामना करना था और दोस्तों इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने आखिरकार टॉस जीत ही लिया और भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करने मैदान पर उतरी दोस्तों स्कॉटलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरीके से बेबस नजर आई कप्तान कोहली इस मैच में अटैकिंग माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरे थे और उन्होंने पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी थी और बुमराह ने तीसरे ओवर में ही विरोधी कप्तान काइल क्वारजर को चलता कर पहला झटका दे दिया दोस्तों इसके बाद मोहम्मद शमी ने खतरनाक अंदाज में दिख रहे जॉर्ज मनसी को चौबीस रनों आरोप हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाया और पावर प्ले में ही स्कॉटलैंड को दोहरा झटका लग गया दोस्तों इसके बाद रविन्द्र जडेजा का जादू मैच पर ऐसा चला की स्कॉटलैंड के बल्लेबाज नाचते दिखाई दिए सबसे पहले जडेजा ने बैरिंगटन को शून्य पर क्लीन बोल्ड किया और फिर मैथ्यू क्रॉस को दो रन पर एलवी आउट कर एक ही ओवर में दो बड़े विकेट झटक लिए जबकि इसके बाद उन्होंने लिस्क को 21 रनों पर चलता कर स्कॉटलैंड की पारी को पूरी तरीके से धराशाही करके रख दिया वही सत्रहवे ओवर में बॉलिंग के लिए आए मोहम्मद शमी के पहले तीन गेंदों आरोप तीन विकेट गिरे पहली गेंद आरोप मैक लॉयड सोलह रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए वही दूसरी गेंद आरोप शरीफ बिना खाता खोले ही पवेलियन चल दिए जबकि तीसरी गेंद पर इवांस का भी खाता नहीं खुल सका और स्कॉटलैंड सिर्फ पचासी रनों पर सिमट कर रह गया दोस्तों टीम इंडिया के लिए मोहम्मद शमी और जडेजा ने सर्वाधिक तीन तीन विकेट चटकाए जबकि जसप्रीत बुमराह ने दो और आर अश्विन एक विकेट लेने में कामयाब हुए दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को रन रेट सुधारने का बेहतरीन मौका मिल गया और छियासी रनों का लक्ष्य तिरालीस गेंद या उससे कम में हासिल करने ऐसी भारत का नेट रन रेट अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड ऐसी भी बेहतर हो सकता था ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों ने पहले ओवर ऐसी ही धावा बोल दिया रोहित शर्मा और के राहुल की सलामी जोड़ी ने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए और चौके छक्कों की झड़ी लगा दी दूसरे ओवर में विल की गेंदों पर तीन शानदार चौके जड़कर उन्होंने ओवर में पंद्रह रन बटोर लिए दोस्तों दुबई में केएल राहुल ताबड़तोड़ अंदाज में खेल रहे थे तीसरे ओवर में इवांस को एक छक्का और दो चौके जड़ राहुल ने दर्शकों का मनोरंजन जारी रखा जबकि रोहित शर्मा ने भी एक छोर से गेंदबाजों के आरोप खर्चे उड़ा के रख दिए राहुल को देखकर रोहित ने भी गेयर बदला और तेज गेंदबाज शरीफ के ओवर में दो चौके और एक गगन छक्का जड़ते हुए मात्र तेईस गेंदों में ही भारत को पचास के पार पहुँचा दिया जिससे पहली बार टी इतिहास में भारतीय टीम ने इतनी जल्दी अर्धशतक का आंकड़ा पार कर लिया हालांकि दोस्तों इसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा विल की यॉकर गेंद पर एल आउट हो गए लेकिन दूसरी तरफ से राहुल शो जारी था वो गेंद को एक के बाद एक तारा मंडल में पहुंचा रहे थे और दर्शकों को फील्डर में तब्दील कर रहे थे पांचवें ओवर में ही भारतीय टीम सत्तर के स्कोर पर पहुंच चुकी थी और ये तय हो चुका था कि भारत का रन रेट काफी बढ़ने वाला है दोस्तों के राहुल के क्लास के सामने स्कॉटलैंड के गेंदबाज बेअसर साबित हो रहे थे और उन्होंने मात्र उन्नीस गेंदों में छह चौके और तीन छक्के की वजह ऐसी तेज तर्रार पचास रन ठोक दिए वही दोस्तों रोहित शर्मा ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सोलह गेंदों में तीस रनों की पारी खेली और दोस्तों दोनों खिलाड़ियों के ताबड़तोड़ पारियों की वजह ऐसी भारतीय टीम ने मैच को छह दशमलव तीन ओवर और इक्यासी गेंद शेष रहते ही जीत लिया जिसके बाद भारतीय टीम का नेट रन रेट न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी बेहतर हो गया है बता दें महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम का मार्गदर्शन करते हुए अपने बयान में कहा है की अगर भारतीय टीम इसी तरीके ऐसी प्रदर्शन करती रही तो हम आगे आने वाले मुकाबलों में भी नामीबिया को बुरी तरीके ऐसी हरा सकेंगे और हमारा रन रेट और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा जिसके बाद तो हम दूसरे पायदान पर अपनी जगह पक्की कर लेंगे लेकिन साथ ही साथ हमको इस बात पर भी ध्यान देना होगा अगर अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब रही तो ही हमारी सेमीफाइनल में जगह पक्की करने की उम्मीद पूरी हो पाएगी लेकिन अगर अफगानिस्तान हार गई तो हमारे लिए इस टी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा इसलिए हमको अपने मुकाबले के साथ साथ अफगानिस्तान के मुकाबले पर भी पूरी तरीके ऐसी ध्यान देना होगा लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है क्या महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकती है या नहीं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को